Now the next question, question number eight. Write whether the rational number 51 upon one five double zero will have a terminate decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Let's explain. We know that any rational numbers whose decimal expansion terminate always can be write down in the form P by Q where P and Q are co prime and yani H C F of P and Q is equal to one and the prime factorization of Q in yani a denominator is of the form two power m and five power n where m and n are whole numbers or can say non-negative integers. क्लियर है बात ये अप्लाई द सेम रिजल्ट हेयर वी हैव रैशनल नंबर फिफ्टी वन अपॉन फिफ्टी वन अपॉन वन फाइव जीरो जीरो प्राइम फैक्टराइजेशन थ्री इंटू सेवनटीन एंड थ्री इंटू टू पावर टू इंटू फाइव पावर थ्री थ्री से थ्री कैंसिल आउट Yani seventeen upon two power two into five power three. We can check p upon q and q in the form of two power two and five power three, and a denominator in the form denominator in the form two power m into five power n, where m equal to two. एंड एन इक्वल टू थ्री इट मीन्स रैशन नंबर इज ऑफ द फॉर्म टर्मिनेटिंग ठीक है यानी कि हमें ये उसने पूछा था रिपीटिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा टर्मिनेटिंग किस केस में होता है जब हमारे पास पी एंड क्यू कोप्राइम हो ठीक है और हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो किस फॉर्म का हो टू की पावर एम इन टू फाइव की पावर एन वेयर एम एंड एन आर हॉल नंबर्स और कैन से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ठीक है अब देखो इट मीन्स दिस नंबर फिफ्टी वन अपॉन वन फाइव जीरो जीरो इज टर्मिनेटिंग फॉर्म ठीक है ऑल्सो वी कैन से इट विल बी टर्मिनेट आफ्टर थ्री डेसीमल प्लेस क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट है वो लार्जेस्ट कितना है थ्री यानी थ्री डेसिमल्स के बाद हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट ठीक है